नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं गैजेटल नथिंग फोन वन। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसने इसके बारे में ना सुना होगा क्योंकि हाइप इतनी बना रखी है, लेकिन बहुत से भी ऐसे हैं जिनको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कम्प्लीट नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन। बजट फोन या आपको मिड रेंज के फोनों में सबसे पहले कॉस्ट कटिंग के नाम पे उनके फ्रेम को ही प्लास्टिक का कर दिया जाता है, जो कि थैंकगॉड नथिंग वालों ने इसमें मेटल का फ्रेम रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली अभी जो फोन लॉन्च हुआ है वो प्लास्टिक फ्रेम में है, भी आपने देखा भी होगा। वैसे आज फोन 8:30 बजे करीब फ्लिपकार्ट पे लॉन्च भी होगा। आते हैं इसके डिस्प्ले पर। दोस्तों इसकी डिस्प्ले होगी 6.55 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। दोस्तों इसके सबसे ज़्यादा हाइप का या मान लो अट्रैक्शन का कारण मैं तो एक ही मानता हूँ कि इसका जो बैक का डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ही एक तरह का, क्योंकि ये ट्रांसलेंट यानी ट्रांसपेरेंट टाइप का है, जो कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एलईडी सेटअप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, ऑसम लुक देता है, और इसी के कारण इस फोन की सबसे ज़्यादा हाइप बनी हुई है। अब आते हैं दोस्तों कैमरा डिज़ाइन पर। तो अब दोस्तों देख रहे होंगे कि आप इसके पीछे दो ही कैमरे हैं। एक तो है सोनी का IMX 766 करके 50 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि आपको वन प्लस के नोट 2T में देखने को मिलेगा, या फिर आपको वन प्लस के ही 10R में भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कितनी बढ़िया इमेज प्रोसेसिंग हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। साथ में जो सेकंड कैमरा है दोस्तों इसका, वह 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर पर, जो कि मैं मेन पॉइंट मानता हूँ किसी भी फ़ोन के अंदर। तो इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों स्नैपड्रैगन का 778G+ करके है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर इफिशेंट है, जिसके कारण ही आप ये जो पीछे एलईडी सेटअप देख रहे हो, तकरीबन 900+ एलईडी लाइटों का ये सिस्टम है दोस्तों, जो कि इस प्रोसेसर पर रन करेगा। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। अब आते हैं दोस्तों इसकी बैटरी पर, जो कि बैटरी भी ठीक ठाक ही है, 4500mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिल जाएगी, जो कि 45W के चार्जर को सपोर्ट करेगी। वायरलेस चार्जर है जो दोस्तों 15W का है, और इसका जो रिवर्स चार्जिंग है वो 5W की सपोर्ट करेगा ये। तो दोस्तों कुल मिला के इसके अंदर जो कुछ दिया गया वो तकरीबन ठीक ठाक ही है, ऐसा मतलब इग्नोर करने वाला फ़ोन नहीं है। और डिज़ाइन वाइज आप समझ सकते हो सर दोस्तों कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका। तो मेरे हिसाब से तो ये खरीदने लायक फ़ोन है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये एक मिड रेंज फ़ोन है, यानी कि मिड सेगमेंट का फ़ोन है। तो बजट फ़ोन होने के कारण दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग इसमें भी हुई है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग का कारण है इसका बॉक्स में चार्जर का ना होना, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खला। लेकिन आप अगर सोच के देखें कि चार्जर ना होने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि ये एक नया फ़ोन है और इसकी शायद मार्केट में चार्जर अवेलेबल होने में या डिलीवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इस केस में देखें तो आपको कोई भी 45W का चार्जर अगर लगाते हो तो आपको सेम परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके पास जो फ़ोन है वो क्या 45W का, या मतलब इंटरचेंज करके भी देख लेना चार्जर क्या उतनी स्पीड देते हैं, कभी नहीं देते। तो बस एक यही एक कॉस्ट कटिंग है, बाकी तो ओवरऑल ये फ़ोन गुड है दोस्तों और लेने लायक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊँगा और इसके वेरियंट भी बताऊँगा, तो वो बताने का टाइम आ गया अब दोस्तों। बेसिकली ये प्राइस के हिसाब से देखें तो आपको करीब 30,000 से नीचे नीचे में मिल जाएगा, जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट होगा। तो वेरिएंट है दोस्तों इसके, वैसे तो आपको मैं बता दूँ तो 3 ही होने वाले हैं। जैसे कि एक जर्मनी की साइट है, वहाँ से मतलब मेरे को ये रिवील हुआ है, आप खुद देख सकते हो, अमेजन जर्मनी। यहाँ पर 8128, 8256 और 12256, ये 3 वेरियंट में ही लॉन्च होगा। तो अब रही दोस्तों इसके प्राइस की बात, तो ये आपको तकरीबन 27 या 28 हज़ार के करीब मिल जाएगा, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट है उसके ऊपर HDFC के कार्ड के ऊपर 2,000 का डिस्काउंट फ्लिपकार्ट खुद ही दिखा रहा है। ये हो सकता है 1-2 महीने तक रहे लॉन्चिंग टाइम पर, तो ये इस प्राइस रेंज में ही आपको मिलने वाला है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही टेक वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।